तो चंद्रशेखर जी के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग और इसका कोड कंसेप्ट की हमारी पहली क्लास है। तो चलिए इस पे हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोड कंसेप्ट की। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही चंद्रशेखर जी बताया था कि आप जब एक्सेल का जब वीवीए यूज करते हैं तो डेवलपर टैब होना चाहिए। तो क्लास शुरू हो चुकी है और चंद्रशेखर जी अपनी रिकॉर्डिंग कर ले, मैं भी आपके लिए रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम बात करें कि आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए, फाइल को सेव कर लीजिए डॉट XLSM टैब में एक्सटेंशन में, और यहाँ विजुअल बेसिक पे क्लिक कीजिए। ये आपको आता है VVE, विजुअल बेसिक एडिटर। अब इसमें जो चीज़ें चाहिए आपको चाहिए VVA प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, एंड यहाँ पे आपको चाहिए प्रॉपर्टीज। ये दो चीज हो सकता है रहेगा, लेकिन अगर कभी नहीं रहा तो इसको लाने के लिए आप यहाँ पे देखिए इसका शॉर्टकट होता है F4 प्रॉपर्टी के लिए, और प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के लिए होता है Ctrl+R। अगर यहाँ भी आइकन ना दिखे दोनों आइकन, तो आप व्यू में जाके यहाँ से दोनों को ला सकते हैं। अब ये दोनों की जरूरत क्यों है, नेविगेट करने की। जैसे कि देखिए मैंने अपने एक्सेल में दो फाइलें खोल रखी है, दो फाइलें खोल रखी है। अब प्रॉब्लम आती है कि ये दोनों फाइलों में मेरा माइक्रो कहाँ जाएगा, तो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ आएगा, राइट। अब यहां हम बात करते हैं कि हम माइक्रो कहाँ पे टाइप करें, मेरा माइक्रो जो है वो कहाँ पे इंसर्ट होगा। तो इसके लिए आपको एक मॉड्यूल इंसर्ट करना होगा। हालांकि आप माइक्रो को शीट 1 पे भी क्लिक करके या जो भी शीट से आप यहाँ इंसर्ट करेंगे एक्सेल शीट में, वो सारे शीट्स वहां पे शो करेगा आपको। तो शीट पे भी डबल क्लिक करके या फिर वर्कबुक पे डबल क्लिक करके आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, अपनी माइक्रो लिख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप शीट्स पे या वर्कबुक पे क्लिक करके माइक्रो लिखते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, दो प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम होती है डबल शीट पे क्लिक किया आपने और माइक्रो लिख दिया, तो शीट 1 की प्रॉपर्टी में सेव हो जाएगा, राइट। शीट 1 के प्रॉपर्टी में सेव हो जाएगा। अगर शीट 1 को किसी ने डिलीट कर दिया तो आपका माइक्रो भी डिलीट हो जाएगा। दूसरा, बाकी फाइल और बाकी शीट से जो रेफरेंस है वो लेने में दिक्कत करेगा। सो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो यहाँ इंसर्ट मेनू बार में आते हैं और एक नया मॉड्यूल लेते हैं। मॉड्यूल क्या करता है कि फाइल की प्रॉपर्टी में जाकर सेव होता है, फाइल के साथ अटैच हो जाता है। वो किसी पर्टिकुलर शीट के साथ अटैच नहीं होता है, फाइल के साथ अटैच हो जाता है, और इसमें आप किसी भी फाइल किसी भी शीट के साथ अपना रेफरेंस दे सकते हैं। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द माइक्रो, कि माइक्रो कैसे डिक्लेयर करें। तो ये आपका कोड विंडो होता है जिस पे आपने डबल किया है, डबल क्लिक किया, ओपन किया है, उसका यहाँ पे एक कोड विंडो आता है। इसी में जो जो भी कोडिंग करनी है हमें इसी में करनी है। लेकिन ऐसे नहीं कि आप कोडिंग स्टार्ट कर दो, पहले आपको एक माइक्रो डिक्लेयर करना पड़ेगा और एक सब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए लिखते हैं सब, माइक्रो नेम दे दीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया टेस्ट 1, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब देखेंगे आप अपने माइक्रो वाले लिस्ट में, डेवलपर या माइक्रो लिस्ट में जहाँ से माइक्रो को रन करेंगे, टेस्ट 1 आ गया, क्लिक करके रन कर सकते हैं। और जो भी कोडिंग होगी वो सब और एंड सब के बीच में होगी, ना इससे पहले कहीं कोडिंग करेंगे ना हम एंड सब के बाद कहीं कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो जो भी कोडिंग होगी वो एक सब्जेक्ट के अंदर में होगी। तो यहाँ पे सब भी लिख सकते हैं और पब्लिक सब भी लिख सकते हैं, लेकिन पब्लिक वगैरह हम नहीं लगाते, बात वही होती है ना कि सब लिखे या पब्लिक सब लिखे, 1 लिखे या +1 लिखे, दोनों ही जैसा है। तो यहाँ पे हमने दिया टेस्ट 1, जो भी कोडिंग लिखेगा हम यहाँ भी कोडिंग लिखेंगे। लेकिन माइक्रो का नेम डिक्लेयर करते समय कुछ ध्यान रखिएगा। पहला, एक नाम के दो माइक्रो नहीं हो सकते हैं, और माइक्रो के अंदर में जैसे कि स्पेस, कॉमा, डॉट, डैश, प्लस, माइनस, ऐसे सिंबल नहीं होगा, स्पेशल करेक्टर नहीं आएगा। हाँ, अगर आपको जरूरत है तो यहाँ आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। पहले रूल आप माइक्रो नेम डिफाइन करने के सीखिए। इसमें पहला नियम क्या है कि एक नाम के दो माइक्रो नहीं बनेंगे एक फाइल के, एक मॉड्यूल के अंदर। दूसरा, क्योंकि यहां पे कई सारे माइक्रो हम बना सकते हैं इसलिए ऐसा बोला मैंने आपको। दूसरा कि
कि आप माइक्रो नेम के अंदर में किसी भी तरह का स्पेस या किसी भी तरह का स्पेस हो गया और किसी भी तरह का डॉट कॉमा डैश मतलब कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं डाल सकते अंडरस्कोर के अलावा। तीसरा नियम जो होता है वो होता है कि थ्री डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नहीं होगा, जैसे कि राज वन, ये गलत होगा। ये गलत क्यों होगा? क्योंकि जैसे माइक्रो रन करने जाएंगे रन डिसेबल होगा, क्योंकि वो राज वन नाम का रेफरेंस में चला जाएगा। आपके पास राज वन नाम का ऑलरेडी रेफरेंस है तो वह रेफरेंस में चला जाएगा। ओके हेलो तो माइक्रो डिक्लेयर करना समझ में आ गया आपको। अब एक ध्यान रखिए कि कौन सा माइक्रो डिक्लेयर, क्योंकि माइक्रो कई तरह के होते हैं, कौन सा माइक्रो डिक्लेयर करें, तो इसलिए माइक्रो के टाइप को समझ लेते हैं। देखिए माइक्रो के टाइप की बात करें तो पहला जो होता है वो होता है हमारा पब्लिक माइक्रो। दूसरा होता है हमारा पर्सनल माइक्रो और तीसरा होता है हमारा इवेंट माइक्रो या प्राइवेट माइक्रो भी कह सकते हैं इसको। तीन तरह के माइक्रोज हमारे पास होते हैं। अब तीनों के बारे में समझिए। देखिए पब्लिक माइक्रो मतलब कि ये फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होता है। सबसे पहले जान लीजिए जिस फाइल है उसी फाइल के प्रॉपर्टी में सेव होगा। ठीक है सर, तो यहां पे पब्लिक माइक्रो, पर्सनल माइक्रो और यहां इवेंट माइक्रो होगा। अब पर्सनल माइक्रो की बात करें तो पब्लिक माइक्रो प्रॉब्लम क्या होती है कि जो फाइल है हमारी, जो हमारी फाइल है वो फाइल जो ओपन हुई है हमारी, मतलब कि पब्लिक माइक्रो में जो हम कोडिंग करते हैं वो फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होती है और जब तक फाइल हमारी ओपन है हम किसी भी फाइल में रन कर सकते हैं। साथ में ये हमारी फाइल जहां जहां भी जाएगी जो जो भी फाइल को एक्सेस करेगा वो सारा माइक्रो को एक्सेस कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दूसरे फाइलों पर रन करने के लिए हमें इस फाइल को ओपन करना होगा। अगर इस फाइल को ओपन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप इसमें दी गई माइक्रो जैसे कि टेस्ट टुडे हमने बनाया हुआ या राजवन बनाया हुआ है, टेस्ट टुडे था ना, टेस्ट टुडे है, टेस्ट या टेस्ट टुडे जो भी हो हमने बनाया हुआ है, तो अब ए माइक्रो जो है ए माइक्रो मेरा यहाँ पे बुक वन पे भी काम करेगा एंड बुक टू पे भी काम करेगा। देखिए बुक वन पे आया ना, के माइक्रो जुटाते हैं क्या काम कर रहा है, यहां से इसको रन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि पब्लिक माइक्रो को दूसरे फाइल पे तभी आप रन कर सकते हैं जब आप उसको ओपन कर रखे हैं अपने ओरिजिनल फाइल को जिसमें कोड सेव है। अब यहां पे दिक्कत ये आती है कि अगर मैं कोई कमांड बनाऊं जैसे कि पिवट टेबल है, जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कोई फॉर्मूले हो, तो क्या होगा कि मुझे किसी और फाइल पे अप्लाई करने के लिए मेरा वो जिस फाइल में बनाया है उसको ओपन करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। राइट सर, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। मैं चाहता हूँ ये एक्सेल का कमांड बना दो, तो उसके लिए हम पर्सनल माइक्रो इस्तेमाल करते हैं। रिकॉर्ड करते समय यहाँ से पर्सनल माइक्रो सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये माइक्रो जब सेलेक्ट होता है तो क्या होता है कि आपकी जो कोड्स है वो कोड किसी फाइल में सेव नहीं होता, वो आपके ऑफिस लाइब्रेरी में सेव होता है। एक्सेल के हर फाइल पे वर्क करेगा लेकिन आपके पर्सनल कंप्यूटर में, किसी को फाइल भेजेंगे तो उस फाइल के साथ उसका माइक्रो नहीं जाएगा। लेकिन पब्लिक माइक्रो में क्या होता था कि हम कोई फाइल भेजेंगे तो फाइल के साथ साथ मेरा माइक्रो भी ट्रेवल करता था, पर पर्सनल माइक्रो में ऐसा नहीं है। इवेंट माइक्रो क्या होता है, देखिए कोई भी माइक्रो बनाते हैं तो उसको आपको रन करना होता है। रन करने के लिए तीन तरीके बताए थे आपको,
पहला था कि आप यहां से रन करें, दूसरा आप शॉर्टकट बना दें, शॉर्टकट से रन करें या किसी बटन पे असाइन कर लें। लेकिन इवेंट मतलब कि मैं कहीं क्लिक करूं तो मेरा मैक्रो रन हो जाए, डबल क्लिक करूं तो मैक्रो रन हो जाए, फाइल ओपन करूं तो मैक्रो रन हो जाए, तो वो आपका इवेंट मैक्रो कहलाता है। तो आपको कौन सा मैक्रो बनाना है आपकी रिक्वायरमेंट पे आपको करना पड़ेगा। पब्लिक मैक्रो बनाना है तो मॉड्यूल में जाइए, जस्ट इंसर्ट कीजिए। पर्सनल मैक्रो बनाना है तो आप रिकॉर्ड करते समय पर्सनल मैक्रो सेलेक्ट कर ले, ओके कर ले, देन कोडिंग कीजिए उसके अंदर। उसके बाद इवेंट मैक्रो के अंदर क्या होता है, कैसे करेंगे कि जिस पे इवेंट कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि सी टू पे कहीं भी सिलेक्ट हो तो कलर हो जाए, तो हम उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे व्यू कोड, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे वर्कशीट, और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम अपना इवेंट। तो यहाँ इवेंट किया सिलेक्शन चेंज, तो यहाँ पे हम करते हैं शीट्स एक्टिव सेल होगा, हाँ एक्टिव सेल डॉट सेलेक्ट, या फिर कलर कर दीजिए ना, इंटीरियर में कलर होता है, कलर इक्वल टू वी वी रेड। मैं जहां भी क्लिक करूंगा देखिए कलर रेड हो गया। माई टाइप ऑफ मैक्रो समझ में आ गया, दिक्कत तो नहीं है सर? चंद्रशेखर जी आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं कि जब हम मैक्रो बनाते हैं तो जैसे हमने मॉड्यूल से मैक्रो बनाया तो हम कोड कहां से स्टार्ट करें। जैसे अभी देखा हमने एक्टिव सेल लिया, कैसे लिया एक्टिव सेल, क्या क्या ले सकते हैं। तो बेसिकली एक्सेल में मोस्टली चार पिलर होते हैं, चार मेन कोड होता है। पहला एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, दूसरा वर्क बुक्स, तीसरा शीट्स, चौथा रेंज। ये चार मेन पिलर होते हैं। हम कोई भी कोड स्टार्ट करते हैं तो इसी चारों से स्टार्ट करते हैं, कोई भी कोड स्टार्ट करेंगे तो इन चारों से स्टार्ट। ओके अब कैसे डिसाइड होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपको कोड कैसे कैसे करना है। तो क्या होता है उसके लिए पहले आपको एल्गोरिथम सीखना होगा। एल्गोरिथम जैसे कि मान लीजिए कि हमें कुछ काम करने हैं, जैसे कि पहले तो यहाँ पे स्टार्ट एल्गोरिथम बना रहा हूँ मैं, क्रिएट न्यू फाइल, सेव न्यू फाइल इन डी ड्राइव नेम एज ए डेटा, इसके बाद क्रिएट न्यू शीट नेम शीट्स एज ए सेलेक्ट A1, enter name, select B1, enter role, simple सा है। तो हमने बोला कि भाई एक फाइल हमें क्रिएट करना है, उसको सेव करना है डी ड्राइव में डेटा नाम से, हमें फाइल में एक उसी फाइल के अंदर में एक क्रिएट ए न्यू शीट हो गया। इसके बाद रिनेम हमने यहाँ पे किया डेटा, यहाँ पे सिलेक्ट A1। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देख रहे हैं, हम एक लाइन में सिर्फ एक काम लिख रहे हैं, समझे, एक लाइन में सिर्फ एक ही काम लिख रहे हैं, दो नहीं लिख रहे हैं। हम यहाँ ने लिख दिया कि एक फाइल क्रिएट करो जिसका नाम ड्राइव डेटा। तो आपको पहले ही डिसाइड करना होगा कि लाइन बाय लाइन हर एक इवेंट के लिए एक लाइन होना चाहिए, क्योंकि आपका VVA लाइन बाय लाइन चलता है। तो अगर मान लीजिए इस एल्गोरिथम का कोड हमें बनाना होगा तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। पहला है क्रिएट ए न्यू फाइल, तो फाइल क्रिएट करना है, फाइल को इफेक्ट है, तो वर्कबुक जो है फाइल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे हम लिखेंगे, शुरुआत करेंगे वर्कबुक से,
उसके बाद जो देना है देंगे, लेकिन शुरुआत होगा वर्कबुक से। उसके बाद आता है कि सेव ए न्यू फाइल। अब फाइल ही है, फाइल सेव करना है ना, तो फिर अगेन यहाँ वर्कबुक होगा क्योंकि फाइल को इफेक्ट कर रहा है, तो वर्कबुक होगा। तो अब वर्कबुक होगा वर्कबुक। अब फाइल को सेव करना है, किस फाइल को? तो जो फाइल है मतलब इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट का डिटेल है, एड्रेस है, वो हम यहाँ डालेंगे कि हमें बुक वन को क्या करना है, हमें सेव एज करना है। ओके, तो डिटेल का है मतलब किस नाम से और कहाँ, तो डी ड्राइव में 2020 फोल्डर के अंदर 123.xls। बट सिचुएशन में समझना होगा, क्योंकि जब फाइल ऐड हुआ तो बुक वन क्रिएट हुआ। अब जरूरी थोड़ी है कि बुक वन ही क्रिएट होगा, या बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्स देना होगा, या जो भी एक्सटेंशन हो, बुक वन ही थोड़ी क्रिएट होगा, कुछ भी क्रिएट हो सकता है, बुक थ्री, बुक फोर, बुक फाइव, बुक सिक्स। सो यहां सिचुएशन भी आपको देखना है कि ऊपर वाले कोड के बाद नीचे वाला कोड कि कोड अप्लाई करते समय हमारा सिस्टम का क्या सिचुएशन होगा। तो यहां पे डायनेमिक नहीं हुआ क्योंकि बुक वन फिक्स नहीं है। तो लेकिन हमें जानते हैं कि जहां हमारा फाइल होता है वही उसी वो जो फाइल ऐड होती है वही एक्टिवेट होती है, तो हम वर्कबुक को एक्टिव सीट भी ले सकते हैं। तो यहां पे हम कर देंगे एक्टिव सीट, एक्टिव सीट दे दीजिए, एक्टिव क्या हुआ सर कोरोना के बाद से पहली क्लास ले रहा हूं तो लग रहा है एक्टिव वर्क बुक, एक्टिव सीट सीट में होता है, एक्टिव वर्क बुक होता है सर, शीट्स के लिए होता है एक्टिव सीट। ठीक है, तो एक्टिव वर्क बुक और यहां पे शीट नहीं, हम फाइल को सेव एज कर रहे हैं, सेव कहाँ करना है वो लोकेशन देना है आपको। जैसे आप फाइल सेव करते समय ब्राउज करते हैं ना, ब्राउज करके फोल्डर सेलेक्ट करते हैं फिर फाइल नेम देते हैं, तो यही है यहाँ पे कि जहाँ आपको फाइल सेव करना है उसका पाथ, और ये हो गया फाइल नेम, और ये हो गया फाइल का एक्सटेंशन। हाँ अगर हाँ आता है, अगर कंफ्यूजन हो, पाथ समझ में ना आ रहा हो, तो कॉपी कर लीजिए। जैसे मैं जा रहा हूँ दिस पीसी के अंदर, अब मैं जा रहा हूँ डी ड्राइव, और यहाँ 2021 का फोल्डर, 20 का फोल्डर नहीं है, तो 2021 का फोल्डर, और इस पाथ को हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, और डाल देता हूँ। ठीक है, तो हमने फाइल ऐड किया, फाइल को सेव कर दिया। फिर इसी तरह से मुझे शीट्स ऐड करने हैं, तो शीट्स शीट्स को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे शीट्स लेते हैं, शीट्स डॉट ऐड। जी जो शीट ऐड हुई है उसको रिनेम करना, तो रिनेम करने का तरीका यह है कि शीट्स, और यहाँ पे उसका नाम दीजिए कि किस शीट को रिनेम करना चाहते हैं, डॉट नेम इक्वल टू डेटा। बट प्रॉब्लम यही हुई कि हर बार शीट वन थोड़ी होगा, शीट टू शीट थ्री हो सकता है, तो यहाँ हम शीट के साथ एक्टिव शीट भी दे सकते हैं, क्योंकि जो शीट ऐड होती है वही एक्टिवेट होती है, तो ये हम हटा देते हैं और इसके जगह पे हम शीट दे देते हैं। अब मुझे क्या है, अब इसमें हमारा ये क्या कह रहा है, हम यहां तक आ गए, अब बोल रहा है सिलेक्ट ए वन, कर्सर पे ए वन पे कर्सर रखना है। तो प्रॉब्लम यही है कि ए वन पे हमें क्या करना है, कर्सर रखना है। ए वन ओ ए वन क्या है, रेंज है, सेल है, तो यहां हम रेंज लेके चलेंगे कि रेंज ए वन डॉट सेलेक्ट, क्या लिखना है, तो हम यहां पे लिख दिया जो सिलेक्ट हुआ है वही सिलेक्शन होगा, तो हम सिलेक्शन, क्योंकि रेंज को हम सिलेक्शन भी, रेंज को कई नाम जानते हैं, रेंज को हम सेल भी कह सकते हैं, रेंज को हम ये भी देते हैं एक्टिव सेल भी देते हैं, हम
स्टार नाम से रेंज को यूज करते हैं। तो ठीक है, तो सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम, ऐसे ही बी वन हो जाएगा। तो आपने देखा जितने जितने हमारे पास लाइन ऑफ एल्गोरिदम थे उतने कोड हमने बनाए। तो आपका माइक्रो कैसे बनेगा वो डिपेंड करता है आपके एल्गोरिदम पे। अगर आपने एल्गो अपना सही बनाया, ठीक, इसमें क्या होता है सीक्वेंस भी, जैसे मान लीजिए ना कि मुझे ए वन पे कर्सर रखना है फिर नाम टाइप करना है, आपने कोड पहले नाम टाइप करने के दे दिया बाद में कर्सर लगाने के दे दिया तो दिक्कत हो सकती है क्योंकि सिक्वेंस होना चाहिए। जैसे आपने पिवट, आपने डेटा सेलेक्ट किया, पिवट अप्लाई किया, तो आपने क्या किया पिवट का कोड पहले दे दिया सिलेक्शन के बाद में दिया, तो पिवट गलत डेटा पे लग जाएगा या नहीं लगेगा या एरर देगा क्या? तो चंद्रशेखर जी सीक्वेंस देखिए मैं पहले बताऊंगा कि पहले आप एक पेपर पेन पे पहले आप एल्गोरिदम देखिए। जब मैं शुरुआत में लर्निंग में था तो मैं क्या कैसे करता था, मेरे एक पास एक डायरी थी, हालांकि वो डायरी लॉस्ट हो गई, कोई ले गया सो वापस ही नहीं किया। मेरे पास एक डायरी थी, उसमें मैं क्या करता था हर एक मैक्रो को लिखता था। तो पहले मैं उसका एल्गोरिदम इस तरह से लिखता था कि करना क्या है, फिर इसके सामने मैं इसका कोड लिख देता था। इससे क्या होता था मुझे पता चल जाता था कि किस लाइन का कोड मुझे पता नहीं है, हम उस पर रिसर्च करते थे ढूंढते थे। तो मैं माइक्रो टाइप करते समय मुझे कोड ना पता, मैंने मान लिया यहाँ तक का कोड लिख लिया, इसका कोड पता नहीं है मुझे, तो यहाँ जो अटके उससे पहले ही हम प्रिपेयर कर लेते थे कि इसका कोड हम देख लेते हैं, खोज लेते थे और उसके सामने अपना कोड लिख देते थे कि हाँ इसका एक कोड है, इसका एक कोड, इसका एक कोड है, फिर उसको हम तसल्ली कर लेते थे कि हाँ सब ठीक है, देन हम उसको अपने सिस्टम पे टाइप करते थे, रन करते थे। क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग आप बनाते हैं तो उसके उसके चार पांच स्टेप होते हैं। पहला होता है एनालिसिस, पहले प्रॉब्लम को एनालाइज कीजिए, एक शॉर्ट वे निकालिए कि क्या होगा, फिर उस शॉर्ट वे को एल्गोरिदम में कन्वर्ट कीजिए, जब आपका एल्गोरिदम तैयार हो जाएगा फिर उससे कोडिंग कीजिए, फिर कोडिंग को टेस्ट कीजिए, अगर कहीं एरर आया तो रीकोड कीजिए, रीटेस्ट कीजिए, टेस्ट करते रहिए जब तक कि आपका कोड सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता है। जब टेस्ट हो गया देन उस मैक्रो को आप अप्लाई करें अपने वर्क में। ओके, जी हाँ, अपने स्टेप के हिसाब से, जैसे बोला ना कि मैं फाइल क्रिएट करना है उसको सेव करना है, तो पहले फाइल क्रिएट होगा देन सेव होगा, आपको काम क्या है, आपका क्या काम है उसको लिखना है, यही मेन चीज है सर। तो आपको अभी जो होमवर्क मिल रहा है वो होमवर्क मिल रहा है कि आप क्या करें कि फटाफट अपने आप जो ऑफिस में काम वगैरह करते हैं ना उसका स्टेप लिखना शुरू करें। आप मान लीजिए कि एक रिपोर्ट बनाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, फाइल ओपन करके डेटा को कॉपी करना क्या, उसी तरह से पूरी एल्गोरिथम पर ध्यान रखिए कि एक लाइन में एक ही काम का होना चाहिए, एक ही स्टेप, एक ही माउस इवेंट, दो नहीं। तो इसको कि एक बार में एक ही माउस इवेंट, जैसे हमने यहां इसको सेलेक्ट किया माउस इवेंट कहलाता है, ठीक है, तो इसको एक बार कीजिए फिर हम कल मिलते हैं।